आप सभी को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। खाना बनाने में अगर आपके पास में रेसिपी हो, ठीक इंग्रेडिएंट्स हो, तो उसके बाद में फिर तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, भाई मेहनत तो लगेगी। लेकिन अगर मेहनत को कम करना हो तो स्मार्ट कुकिंग करनी चाहिए। अब स्मार्ट कुकिंग में इस तरह से होता है कि आप जो झंझट वाली चीज़ें होती हैं ना, वो काम किसी और पर छोड़ दो। अब जैसे किसी रेसिपी में टमाटर चाहिए, आपको टमाटर चाहिए तो टमाटर अगर पिसा हुआ चाहिए तो पीसने के बजाय आप पिसा पिसाया टमाटर जो है वो मिल जाता है। अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए तो बनी बनाई पेस्ट मिल जाती है। लेकिन प्याज का क्या करें, प्याज वगैरह जो हमारे खाने में इतना इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके लिए समझ गया नहीं नहीं बहुत आसान है, क्योंकि प्याज में भी पहले से प्याज कटा हुआ, प्याज पका हुआ, प्याज सूखा हुआ, प्याज फ्राई किया हुआ सब मिल जाते हैं। अब अगर ये ऑप्शंस आपके पास में हैं तो खाना बनाना कितना आसान हो जाएगा। तो मैंने सोचा आपके साथ में मेरी एक बचपन की फेवरेट रेसिपी है जो हमारे घर में हर संडे को बनती थी और वो आज तक फेवरेट है, तो वो आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन इस तरह से फटाफट राजमा मसाला पंजाबी स्टाइल में जैसा हमारे घर में बनता है। तो मैंने जो राजमा लिया है, मेरे पास में ये राजमा है, ये देखिए ये राजमा, और इसको आप पानी के अंदर भिगो के रख लीजिए, 6-8 घंटे तक भिगो लीजिए। ये मैंने पानी के अंदर भिगो के रखे थे, ये राजमा भीगे हुए, ठीक है। अब क्या चाहिए, चाहिए बढ़िया सा प्रेशर कुकर, तो ये हमारे पास, और प्रेशर कुकर के साथ में ये जो राजमा है ये लिया, और उसके साथ में पानी। वाह, सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है ना वो तो होता है नमक, नमक के बिना तो स्वाद नहीं आएगा। अब नमक के साथ में थोड़ा सा अगर लाल मिर्च डलेगी तो लाल मिर्च का स्वाद आ जाएगा थोड़ा, तो नमक आ गई, मिर्च आ गया, थोड़ा सा कुछ मसाले भी डाल सकते हैं, जैसे ये मेरे पास में जीरा पाउडर है, राइट। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा धनिया भी डाल देता हूँ। चलो, तो मसाले बेसिक मसाले डालें, अदरक और लहसुन का पेस्ट। जब राजमा बनाते हैं ख़ासतौर से पंजाब वगैरह में, तो उसके अंदर प्याज ज़रा भून के मसाले में डाला जाता है, वो मेहनत वाला काम है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेहनत वाला काम जो है ना वो आपके लिए आसान कर देता हूँ। तो ये लीजिए, आसान हो गया काम आपका। तो ये मेरे पास में है किंग्स फ्राइड अनियन, बढ़िया क्वालिटी का प्याज लिया, अच्छी तरह से साफ़ किया, छीला, स्लाइस किया, उसके बाद में अच्छे वेजिटेबल ऑयल के अंदर फ्राई किया, उसको ब्राउन क्रिस्प किया, तो उसका स्वाद और फ्लेवर जो है वो एकदम बढ़िया, और काम जो है किसी और ने किया, तारीफ आपको। तो और अब इसमें मैं डालता हूँ किंग्स क्रिस्पी फ्राइड अनियन, इसे ये देखिए कितना क्रिस्प है, ये देखिए, इसको हल्का सा हाथ से ऐसे क्रश करके भी डाल सकते। कमाल की बात देखिए, मैंने इसको हाथ में इस तरह से लिया, लुक एट माई हैंड, इसमें एक्स्ट्रा फैट नहीं है। अब ये घर पे करना मुश्किल हो जाता है, आप फ्राई जब करेंगे तो आप इस तरह से प्याज को करेंगे तो बहुत बहुत तेल आएगा, बट जब इसको कमर्शियली किया जाता है तो इसमें से जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकाला जा सकता है। तो इसको मतलब घुमाया जाता है काफ़ी हाई स्पीड पर, ताकि प्याज एक तरफ तेल एक तरफ आ जाए। तो ये तो हो गया प्याज इसके अंदर। अच्छा, अब देखिए मैंने इसके अंदर कोई और तेल तो डाला नहीं था, सिर्फ इसमें इसी तरह से इसका जो तेल है जो जिसमें फ्राई हुआ है वही इसके अंदर पड़ा है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसकी जो कीपिंग क्वालिटी है, काफ़ी देर तक इसको आप रख सकते हैं, और एम्बियंट टेम्परेचर में, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इसी तरह से रख सकते हैं। और ना सिर्फ ये, मैं तो ग्रेवी में दिखा रहा हूँ, आपने बनाया बिरयानी बनाई ऊपर से गार्निश किया, आपने हलीम बनाया ऊपर से गार्निश किया, पुलाव में डाल सकते हैं आप, हैमबर्गर बनाया उसमें डाला, सैंडविच में डाला, बहुत बढ़िया क्रिस्पी एकदम इसका टेक्स्चर है। तो ये टोमेटो प्यूरे इसके अंदर, और अब ये सब चीज़ें जो हैं मिक्स हो गई, और फिर इस पे लगाया ये ढक्कन, और इसको करेंगे करीब 6 सीटी तक प्रेशर कुक, और उसके बाद में धीमी आंच पे इसको 15-20 मिनट और पकने दें, ताकि जो राजमा है वो पूरी तरह से गल जाए और जो मसाले हैं सब एक सार हो जाए।
चलिए 6 सीटी के बाद में इसको धीमी आंच पर 15-20 मिनट तक पकने के बाद में आप इसको बंद कर दें और इसी तरह से इसको अपने प्रेशर में रहने दें। लुक तो अच्छा आ रहा है। वाह, ये देखिए, ये हमने जो पूरा मसाला डाला था, प्याज टमाटर सब मिक्स हो के क्या मज़ेदार बन गया है। और इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा तेल नहीं, कुछ बिल्कुल तेल नहीं, राजमा पक चुका है और खुशबू बढ़ गया है। एकदम जो राजमा है पूरी तरह से गल गया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थोड़ा हरा धनिया डालें या इसी तरह से गर्मा गर्म चावल के साथ में इसको सर्व कीजिए, मज़ा लीजिए राजमा मसाला का।